और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को चिट्ठी लिखी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अजवान से नींद में खलल का मुद्दा उठाते हुए ये पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर के डीएम से कार्रवाई की मांग कर रही है। लाउड स्पीकर को नींद में खलल की वजह बताई गई है। पत्र में लिखा है कि मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, बगैर लाउड स्पीकर के भी अजान हो सकती है। ये कहना है संगीता जिन्होंने अजान को लेकर ये चिट्ठी लिखी है, लाउड स्पीकर से अजान पर रोक की मांग उन्होंने की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी है यानी वाइस चांसलर। तो संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को ये खत लिख करके कहा कि अजान से नींद में खलल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाउड स्पीकर को नींद में खलल की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं कह रही हूं, बगैर लाउड स्पीकर के भी पूजा पाठ हो सकती है, अजान हो सकता है। अब इस मामले पर किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, इस तरह की कोई भी शिकायतें सामने आई हैं, कुछ धर्म के पैरोकार या ठेकेदार अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं। याद होगा आपको सोनू निगम ने भी कुछ इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद उनके खिलाफ किस तरीके से एक मुहिम छेड़ दी गई थी। अब संगीता श्रीवास्तव जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, अजान पर रोक की मांग की है। दरअसल अजान पर रोक नहीं, लाउड स्पीकर से जो अजान होती है, क्योंकि इससे सुबह सुबह नींद में खलल पड़ता है, ये बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी, वो चिट्ठी उन्होंने डीएम को भेज दी है। अब इस मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है, देखिए साल 2020 में कोर्ट में इस तरह के मामले को ले जाया गया था जहां पर यह साफ किया गया था कि लाउड स्पीकर धर्म का हिस्सा नहीं है। अब इस मामले पर किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं और जो स्थानीय वहां पर प्रशासन है वो इस चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेता है, यह देखना बेहद जरूरी है। तो देखिए इस लेटर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ देखिए किस तरीके से यहाँ पर वीसी ने लेटर लिखकर के अपनी शिकायत अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और ये मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तुषार, इस लेटर को लेकर के क्या कोई आश्वासन दिया गया वीसी को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वीसी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने लेटर दिया है डीएम को कि हम जब भी सोते हैं तो हमारे घर के पास जो मस्जिद है वहाँ से अजान की आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ और मेरा सरदर्द और मेरी तबीयत खराब रहती है। एसएसपी डीएम ने उस लेटर को एसएसपी के पास भेजा है और उस पूरे मामले की जांच करने को कहा है कि आखिर में क्या वजह है, क्योंकि सोनू निगम के बाद ये एक बार फिर दूसरा मामला आया है जब अजान को लेकर किसी की आज़ादी में किसी की स्वतंत्रता में खलल पड़ा है। क्योंकि देखिए इसका जीता जाता उदाहरण वही है जिस तरह से कहा जाता है कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की नाक ना आए, और यही वजह है कि डीएम ने इस पूरे मामले की जांच एसएसपी अवली डीआईजी जो है प्रयागराज के उनको दे दिया है। अब इस पूरे मामले में एसएसपी इसकी जांच करेंगे कि आखिर में इतना तेज लाउड स्पीकर क्यों बज रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बात हो रही है मामले को कोर्ट में भी लेकर जाया गया है जहां पर कोर्ट ने यह साफ किया है कि धर्म अलग है और लाउड स्पीकर एक अलग चीज है, वो धर्म का हिस्सा नहीं है, वो अजान का हिस्सा नहीं है। क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है? मुफ्ती मंजूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, पहले उनका रुख कर लेते हैं। तुषार मुफ्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने जो चिट्ठी लिखी सर, वो आपको पता होगा, सबसे पहला रिएक्शन क्या दीजिएगा? देखिए मुल्क के अंदर में ऐसे हालात बन रहे हैं कि कुछ एक चंद एक जिन्हें कहा जाए चंद एक लोगों को कभी अजान पर, कभी कुरान पर, कभी नमाज पर, कभी दीनी और धर्म की बातों पर इतराज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने लेटर में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुझे अजान से दिक्कत नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दें। तो इस तरीके के मामलात मुल्क में कहीं देखने को मिलते हैं कि संगीता जी मैडम को इस तरीके की तकलीफ है, तो हजारों और सैकड़ों संगीताएं ऐसी हैं जो फजर की अजान से अपने दिल को सुकून और अपने आंखों को सुकून पहुंचाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर में यही तो हमारी एकता और अखंडता की एक मिसाल है कि हिंदू भाई बहन अजान की आवाज पर उठ करके अपने घर को अपने कामों की शुरुआत किया करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है। लेकिन बात जहां तक लाउड स्पीकर की है तो लाउड स्पीकर कानूनी दायरे में आता है तो उस पर कार्रवाई होगी या बात होगी वो अगला मसला है, लेकिन अजान की आवाज पर बातचीत अच्छी खासी लंबी हो सकती है। मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, वो लाइव हमारे साथ जुड़ गए, इस पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतिका और प्रीति भी जुड़ गई है। उस्मानी साहब बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, देखिए जो वाइस चांसलर ने चिट्ठी लिखी उसमें ये साफ कहा कि जो आवाज आती है लाउड स्पीकर से परेशानी उस बात को लेकर है, अजान से कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप क्या कहिएगा, क्या लाउडस्पीकर बंद नहीं किया जा सकता है? क्या धर्म के लिए, आस्था के लिए जरूरी है उस लाउडस्पीकर का होना? सर देखिए, आज इनको लाउड स्पीकर से दिक्कत हो रही है, कल इनको नमाज पढ़ने से भी दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये लोग मानसिकता लाते कहां से, ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को आपने कुलपति बना रखा है। सर आप मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं सीधे तौर पर। सर सीधा सवाल ये है, जिससे परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करने का जिक्र किया गया, लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए। नमाज पर जब सवाल होगा तब मानसिकता पर सवाल उठाइएगा। जिनकी सोच ये है, एक और था इससे पहले, वो बेसुरा गायक है सोनू निगम, एक वो भी था इससे पहले, वो बोल रहा था मुझे अंदर कमरे में बैठ के, बिल्कुल अंदर एसी रूम में बैठते उस अजान की आवाज आती थी। जिस वक्त सोनू निगम का मामला सामने आया, उस वक्त आप ही के धर्म के लोगों ने यह माना कि लाउड स्पीकर आपकी आस्था का पार्ट नहीं है, तो आप लोग क्यों इसे आस्था से जोड़कर बता रहे हैं? एक इससे पहले एक बेसुरा गायक था सोनू निगम, वो भी ये कहता था कि मुझे अंदर एसी के रूम में बैठ के अजान की आवाज से दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता पे मैं थूकता हूँ। ये कुलपति नहीं है, इनकी डिग्री चेक करो आप। लौटेंगे सर आपके पास। अतीक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे जो पत्र वीसी ने डीएम को लिखा है शिकायत के तौर पर कि लाउडस्पीकर से उन्हें दिक्कत होती है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक मैंने अजान का मामला स्टडी किया है पिछले 2-4 सालों के अंदर, और दीन इस्लाम की बात क्योंकि आती है, दीन इस्लाम बड़ा टॉलरेंट मजहब है, और मैं समझता हूं कि वीसी साहब के लेटर को वहां की लोकल पुलिस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और मस्जिद वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अगर उनके लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के वायलेशन में है तो यकीनन उसकी आवाज को कम कर देना चाहिए। पहली लाइन में अपनी जो बात कही वो बड़ी बात कही है। आप बने रहिए प्लीज हमारे साथ। मेहताब उस्मानी को आपका ये जवाब पहुंचना बहुत जरूरी है। मेहताब उस्मानी साहब, देखिए आप ही के धर्म में आप पढ़कर कुछ अलग बताते हैं और ये अतीक साहब कुछ और बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है सर? लाउडस्पीकर से अगर किसी को परेशानी है तो क्या लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं हो सकती है? वो धर्म का हिस्सा है, क्या आप इस बात को साफ कर पाएंगे? लाउडस्पीकर की आवाज उतनी ही रहेगी, ऐसी मानसिकता वालों से हम डरने वाले नहीं है, बहुत बर्दाश्त हो चुकी है, ठीक है ना। कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी अब इनको तो जी आपके हिसाब से तो सभी की मानसिकता पर आप सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ आपकी की मानसिकता हालात ठीक है? बिल्कुल, आप ये बताइए, सोनू निगम एसी रूम में अंदर सोता है, वो कहता है कि मुझे अजान की आवाज से दिक्कत है, ऐसी ये मेरा एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं सर, रुकिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि ऐसी मानसिकता वालों पर मैं थूकता हूँ। पहले तो आपको अपने भाषा की मर्यादा को समझना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, आप अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अगर किसी को लाउडस्पीकर से दिक्कत है तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि जरूरी नहीं है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि पहले आपको अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। ये तो लोगों की मानसिकता है ना, इनकी मानसिकता इन पर रहने दो। आप लोग अपनी मानसिकता को क्यों नहीं ठीक करते? क्या लाउडस्पीकर इतना जरूरी है क्या? बिना लाउडस्पीकर के क्या अजान नहीं दी जा सकती है क्या? मुस्लिम ने ये क्वेश्चन उठाया है कि हमें मंदिर में घंटी बजने से दिक्कत होती है, हमें नगर कीर्तन से दिक्कत होती है, हमें एक सवाल मेरा मेहताब से, मेहताब जी से एक सवाल मेरा है, तो उसको लेकर अगर कोई आपत्ति जताता है तो लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी जाएगी। मंदिर को लेकर, मंदिर की घंटी को लेकर भी अगर कोई आपत्ति जताएगा या परेशानी होगी, किसी का खलल होगा, तो उसको लेकर भी कोई कदम नहीं। मानसिकता आप लोगों को अपनी ठीक करनी चाहिए। जावेद अख्तर ने भी ये कहा थी, वो तो आप ही के मजहब के है ना, वो तो आप ही के मजहब के, उन्होंने भी कहा था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ठीक नहीं है। ये कुलपति की सोच नहीं हो सकती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके की बात कर ही नहीं सकता। अगर सच में पढ़ा लिखा है, तुषार भी मौजूद है, तुषार आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो इस तरीके की बात कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मेहताब जी से, कि ये देश के संविधान को क्या नहीं मानते हैं? क्या ये देश के संविधान को नहीं मानते जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक मेरी नाक है? 2 मिनट एक मेरा सवाल है कि क्या मेहताब देश की स्वतंत्रता को नहीं, संविधान को नहीं मानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता वहीं जहां तक हमारी नाक ना आए? बिल्कुल, तो फिर आखिर में क्यों नहीं अजान इसकी आवाज को धीरे किया जाता है? या फिर आपको अजान पढ़ने से मतलब है, आपको अजान पढ़ने से, आपको नमाज पढ़ने से मतलब है कि
आपको लोगों को डिस्टर्ब करना है, लाउड स्पीकर लगा के लोगों के सोने में खलल डालिए। मंदिरों से उतारो ना लाउड स्पीकर, क्यों लगा रखे हैं मंदिरों में? सर एक सेकंड सर, क्यों इतना शोर शराबा करके निकाले? कह दिया गया है कि आपको भी पता है नॉइज पॉल्यूशन इतना है, अरे सुन लीजिए मैडम, आपको पता है नॉइज पॉल्यूशन इतना है कि चार कदम से पड़े पड़े हुए व्यक्ति की आवाज सुनाई नहीं देगी, तो पूरे एरिया को पता कैसे चलेगा जान हुई है? तो यानी कि आप अपने अधिकारों की बात करें लेकिन दूसरे के अधिकारों से आपको कोई लेना देना नहीं है, संविधान में ये तो कहीं नहीं कहा, ये कहा गया ना कि आपके अधिकार तब तक ठीक है जब तक आप दूसरे अधिकारों का उल्लंघन ना करें, उनके अधिकारों का हनन ना करें, क्या संविधान को नहीं मानते हैं क्या आप? मैडम हम मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, ना तो लाउड स्पीकर उतरेगा, ना अजान अजान का टाइम बदलेगा और ना ही अजान रुकेगा। मेहताब उस्मानी साहब, बहुत सीधी बात यह है कि आपको इस बात पर ध्यान देने की और समझने की जरूरत है कि जो बातें आप कह रहे हैं ठीक उसी तरह से लोग दूसरे भी संदर्भ रखते हैं, और अगर आपका ये हक बनता है तो दूसरे का भी हक बनता है कि वो अपनी नींद पूरी करे। लाउड स्पीकर को आपके घर में कहीं नहीं कहा गया कि ये मैंडेटरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।